हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन में। आज मेरे पास एक एरर आया है माइक्रोसॉफ्ट का। जब मैं विंडोज 7 इंस्टॉल कर रहा हूँ तो जो एरर आया आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा दोस्तों, नीचे मैंने लिंक भी दिया है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो मैंने इसमें दो तीन तो नहीं ज़्यादा ही काम करा है, बट जो सॉल्यूशन मुझे मिला है मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करके दोस्तों करते हैं पॉइंट की बात और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ पर जो फर्स्ट सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें दो सॉल्यूशन बताऊँगा और वो दो में से कन्फर्म है कि एक में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर ये एरर आया तो आपको दोस्तों क्या करना है, आपके विंडोज़ को आपको फिर से रीइंस्टॉल करना है। जो विंडो आपने डाला है कुछ बूटेबल पिन ड्राइव को चेंज कीजिए और फिर से विंडो डालिए। हो सकता है आपके विंडो में वायरस आ गया होगा या कोई फाइल करप्ट हो गया होगा, जिसकी वजह से एमएस ऑफिस इंस्टॉल नहीं हो रहा है। और अगर आप विंडो रीइंस्टॉल करते हैं उसके बाद भी आपको सेम प्रॉब्लम क्रिएट होता है दोस्तों, तो उसके बाद आपको जो करना है दोस्तों, सेकेंड प्रॉब्लम, आपको गूगल क्रोम में जाना है और एमएस ऑफिस 2007 का सेटअप फिर से डाउनलोड करना है ना। क्योंकि दोस्तों हो सकता है कई बार ऐसा होता है कोई फाइल करप्ट हो गई या कोई फाइल मिसिंग हो जाता है, क्योंकि हम पेन ड्राइव जो है अलग अलग सिस्टम में लगाते हैं दोस्तों, तो हमारा फाइल करप्ट होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो हो सकता है आपके एमएस ऑफिस का कोई फाइल एक ऐसा होगा जो करप्ट हो गया है। तो दोस्तों अब क्या करना है, सेकेंड सॉल्यूशन जो हमारा होगा, आपको एमएस ऑफिस 2007 को फिर से जाना है और डाउनलोड करना है। अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी शॉप से जाकर उसे डलवा लीजिए, और आप चाहते हैं कि मैं उसका लिंक भी दे दूं तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आगे चल के ऐड कर दूंगा। तो दोस्तों ये दोनों सॉल्यूशन थे, ये दोनों टेक्निक थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया होगा और आपका सॉल्यूशन हो गया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।